लिव इन संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, ये वर्ड्स जब हमारे देश में काका काकी, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, फलाना ढिमका, ये जो बूढ़े टाइप के लोग हैं ना, जब इनके कानों में ये बात चल पहुँचती है लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संबंध, इनके कान खड़े हो जाते हैं। ये उन लोगों को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आप इस देश की विडंबना देखिए कि एक लड़की दूसरी लड़की के साथ में एक रूम में या एक फ्लैट में किराए पे रहती, और दोनों लेस्बियन हैं, और दुनिया में ये बता रखा है कि भाई हम लोग तो बहन की तरह हैं और हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, दुनिया उनको रिस्पेक्ट देती। एक लड़का दूसरे लड़के के साथ होमोसेक्सुअल है और वो एक फ्लैट में रहता है साथ में, और दुनिया को बताया कि भाई हम तो श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो भाई की तरह हैं, दुनिया उनको भी इज्जत देती। लेकिन एक लड़का और एक लड़की जब दुनिया को बताते हैं कि भाई हम इस फ्लैट में रहते हैं और हम लिव इन में हैं, हमारा विवाह अभी नहीं हुआ है, तो दुनिया उनको हिकारत की दृष्टि से देखती है, उनसे नफरत करती है। ये ट्रेंड हमारे देश में है। अरे वडीलों, ऐसा मत करो रे, यंग लोगों को परेशान मत करो रे, उनको अपना लाइफ एंजॉय करने दो, उनको ट्रायल एंड एरर से चलने दो लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी अब हो गई ख़त्म, उनको तो जीने दो, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। नहीं तो बाद में क्या होगा कि यही जो बच्चे हैं जिन पे आप हिकारत की दृष्टि से देख रहे हो, ये आपके मुंह पे बोल जाएंगे ब्लडी बैकवर्ड साले, और चले जाएंगे आगे। ऐसा दिन तो नहीं चाहते हो ना आप। तो आज जो विषय है इस जो वीडियो का, वो यही है कि लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संबंध। इसके लीगल एस्पेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस बारे में। और जो लोग लड़के लड़की, महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आगे संभावना है खुली हुई, लिव इन रिलेशनशिप में पदार्पण करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, आप ये संबंध बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना है। पूरा वीडियो देखना है, मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन का एकदम एक बड़ा बंडल आपको देने वाला हूँ। और नीचे एक लाल रंग का बटन होता है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो यार, बार बार बोलता हूँ, थोड़ा तो कष्ट करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा एंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो बड़े शहर हैं हमारे देश के, चाहे हम बात करें पुणे की, मुंबई की, चेन्नई की, कोलकाता की, इंदौर की, दिल्ली की, यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप एकदम ही कॉमन हो गया है, गली गली में पाया जाएगा, और लोग उनको इकारत की दृष्टि से देखते ही नहीं हैं, उनसे नफरत करते ही नहीं हैं, अब वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन जो छोटे शहर हैं ना, उदयपुर है, उज्जैन है, बड़ौदा है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, ये पूर वाले जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं बी और सी टाइप के, यहाँ पर लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, और वो यही सोचते हैं कि नहीं, वो लिव इन रिलेशनशिप, और बाप रे, उड़ी बाबा, ये क्या है, ये क्या भूत है क्या। अरे भैया, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो आईफोन एप्पल का, कपड़े पहनते हो एडिडास के, जूते पहन रहे हो नाइकी के, और बैग जो यूज़ कर रहे हो वो प्यूमा के कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों का, सब विदेशी संस्कृति में ओतप्रोत हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हो। लेकिन जब बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की, तो एकदम घबराते हो कि अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है, ये भूत प्रेत है क्या। अरे ये भूत प्रेत नहीं है रे, एक्सेप्ट करो इसको, ये है, अब हमारे सोसाइटी का पार्ट हो गया है। और एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, फिर आप आजकल के बच्चे क्या है, फिर वन नाइट स्टैंड में चले जाएंगे, फिर क्या है, ये वो जो ओयो रूम वगैरह 1000 में मिल जाते हैं, फिर दो दो घंटे के लिए जाएंगे वो, और फिर वो बहुत ही ख़राब चीज़ होने वाली है, फिर एड्स का खतरा भी बढ़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है,
बताएगा कौन इन लोगों को, है ना। ये समझो यार बात को, फिर ये अगर फ्रस्ट्रेटेड हो, आज का युग के जो नौजवान है ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना, तो ये फिर साहब बहुत गड़बड़ कर देंगे, ये क्या है गलत दिशा पकड़ लेंगे, फिर इनको लाना मुश्किल हो जाएगा, फिर जानवरों जैसा काम हो जाएगा इनका, इमोशन की ऐसी तैसी करवाएंगे ये और मुश्किल हो जाएगी। फिर मत मुझे ना भैया कि हमारे गुर्दे लाल हो गए, हमारे बच्चे इस टाइप के हो गए हैं, हमारे बच्चे हमारे ही नींबू निचोड़ के चले गए, भैया घोड़े खुल जाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं, मत करो। इसलिए ज़्यादा प्रतिबंध मत लगाओ, बहुत अति सर्वत्र वर्जित होता है, ध्यान रखो। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एक्चुअली एक केस हुआ था केरला में, वो केस जो है एक आदमी का केस था और केरला गवर्नमेंट का केस था, हाई कोर्ट में गया था। उसमें क्या था कि वो लोग, लड़का जो है 21 साल का नहीं हुआ था और लड़की 18 साल की हो गई थी, तो शादी हो गई थी उनकी, लेकिन नंद कुमार नाम था, नंद कुमार वर्सेस केरला केस, केरला स्टेट, ये केस का नाम है। तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो हाई कोर्ट में गया था, तो इसमें क्या हुआ कि लड़की तो 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, पर लड़का 21 साल का नहीं हुआ था। तो लड़के के पापा ने जो है केस कर दिया कि हमारा लड़का 21 साल का नहीं हुआ, ये गलत हो गई, नाजायज़ शादी है, वो शादी तोड़वा दी। लेकिन लड़के ने फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये शादी सही है और इनको साथ में रहने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 18 साल प्लस के अगर आप हो गए हैं, आप एक पुरुष हैं, आप महिला के साथ, अगर आप महिला हैं तो पुरुष के साथ, आप लड़के हैं तो लड़की के साथ, आप लड़की है तो लड़के के साथ, आप एक लड़के हो तो लड़के के साथ होमोसेक्सुअलिटी में, और लड़की हो तो भी लड़की के साथ लेस्बियन बन के भी सोसाइटी में रह सकते हो। इसमें न पुलिस कुछ कर सकती है, न कोर्ट कुछ कर सकता है, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लीगली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 18 साल के हो जाना चाहिए बस, 18 साल से कम में नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एक लड़का और लड़की की बात करते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर चल रहा है कि भैया ये जमेगी तो अपन शादी कर लेंगे, अगर 6-8 साल से ज़्यादा आप साथ में रह रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको मैरिड ही मान रही है। मतलब इसका एक क्लॉज है डीम्ड मैरिज, डीम्ड टू बी मैरिज, मैरिड, डीम्ड मैरिड, मतलब कि वो मान के चल रही सुप्रीम कोर्ट कि ये मैरिड है। और फिर जो मैरिज वाले कपल में जो सारे लगते हैं लांछन, जो सारी प्रॉब्लम्स आती है, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, अब लड़के ने लड़की को मार दिया, लड़की ने लड़के को मार दिया, झगड़े चालू हो गए, तो फिर आप जाओगे कोर्ट में, अगर लड़की ने कोर्ट में अगर आप पुलिस में कंप्लेन करी तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और फिर हो सकता है आगे ऐसे भी केस आए, आपको मेंटेनेंस देना पड़े, ऐसा पैसा देना पड़ेगा बहुत सारा। तो ये सब प्रॉब्लम है, आप समझ लो बात को। और क्या है कि आप फिर लड़की के साथ में रह रहे हो या लड़की आपके साथ रह रही है और आपको मामला नहीं जमा, 2-3 महीने बाद फिर दूसरी आपने पकड़ ली, तीसरी पकड़ ली, जब भी आप ऐसा कर रहे हो ना तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम्स का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो इसमें क्या है एड्स का बहुत खतरा बना रहेगा। आज 3 महीने आप एक लड़की के साथ हैं, एक लड़की आपके साथ में है, वो लड़की कहीं और चली गई, लड़का कहीं और चला गया, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ चले गए, तो फिर साहब क्या होगा कि एड्स हो सकता है, एड्स तो बहुत डेडली डिजीज़ है आप जानते हो, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके जो WBC पे ही अटैक करता है, वाइट ब्लड सेल्स पे, और आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आप डिजीज़ को बहुत प्रोन हो जाते हो, तो ये तो बहुत डेंजरस केस हो जाएगा। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी फैल सकती है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें, और आप चाहेंगे नहीं कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, लड़की भी नहीं चाहेगी कि लिव इन में प्रेगनेंसी आ जाए, तो भावनाओं में ना बह जाएं। देखिए ये जनता जानती है कि अगर आप लिव इन में हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप भाई बहन की तरह रहेंगे, आप सेक्सुअल एक्टिविटी भी करेंगे, आपका खुला खेल है, खुला ग्राउंड है, उसको मिसयूज़ मत करो, उसको सावधानी से काम करो, ठीक है, सोसाइटी की ज़्यादा केयर मत करो लेकिन मिसयूज़ मत करो कम से कम, अच्छा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और जितने भी ये सब नियम लगते हैं ये सब आप पे भी लागू हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप कोई गलत चीज़ नहीं है, आप अगर घुसना चाहते हैं रिलेशनशिप में ज़रूर जाइए, न पुलिस न कोर्ट न कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और
एक आदमी मैरिड है, उसकी वाइफ है, लेकिन वो एक दूसरी लड़की के साथ दूसरे घर में रहना चाहता है, तो भी वो रह सकता है। जो एडल्ट्री का जो प्रावधान था वो कैंसिल हो गया है। एडल्ट्री के खिलाफ कोई केस भी कोर्ट सुनेगी नहीं अब, तो इसलिए करो मत ऐसा। पर बता रहा हूँ कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और देखिए ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है शादी में, क्योंकि अगर लिव इन में है तो आपने चेक कर लिया कि यार ये लड़की अपने लायक नहीं है, लड़की ने चेक कर लिया कि भैया ये आदमी अपने लायक नहीं है, ये तो रात को नहाता ही नहीं है, सुबह उठता है बराबर, काम करता ही नहीं है, और कुछ सीरियस है ही नहीं लाइफ में, तो वो मूव ऑन करेगी, आप भी मूव ऑन करो। लेकिन अगर शादी हो गई उसके बाद क्या है, समझो एक पार्टी मतलब तो लड़का लड़की दो पार्टी है, लड़का एक पार्टी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है और दूसरे पार्टी को डाइवोर्स चाहिए, तो साहब मैं बता रहा हूँ 10-10, 12-12 साल केस खिंच जाता है। अरे जवानी निकल गई, फिर 10-15 साल बाद आपका जो सब कार्यक्रम ही ख़त्म हो गया, अब शादी करके करोगे क्या, कुछ आनंद तो ले ही नहीं पाओगे, बुढ़े हो गए आप तो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैरिज में जल्दी नहीं करना है, पहले चेक कर लो। लिव इन बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको मेरे ख्याल से सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अगर अच्छा लगा हो तो भाई भाई का चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही एकदम नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।